प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ साल पहले नारा दिया था कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और इस नारे को साकार करने के लिए ज़रूरी है कि हर एक शख्स की भागीदारी, हर एक शख्स की समझदारी हो। ये नारा तभी साकार होगा जब हर घर में शौचालय होगा, और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों मेहनत कर रही है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अक्सर खेत में चले जाते हैं और कई बार उनके साथ खतरनाक घटना भी हो जाती है, और ऐसा ही कुछ नजर आया उत्तर प्रदेश में। दरअसल उत्तर प्रदेश मिर्जापुर स्थित हलिया थाना क्षेत्र के वीरपुर में शौच के लिए गए लोगों पर भालू ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इस घटना में 4 लोग जख्मी हो गए। ग्रामीणों ने लाठी डंडों के जरिए भालू को खदेड़ा। क्षेत्र के अहोगी कला और वीरपुर गांव में भालू देखे जाने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। हैरानी करने वाली बात तो ये है कि वन विभाग को मामले की जानकारी दी गई, लेकिन 3 घंटों तक मौके पर कोई नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने सभी घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हलिया थाना क्षेत्र अहोगी कला गांव के रहने वाले बसई गुप्ता और सुमन शौच के लिए घर से बाहर गए हुए थे कि जंगल की ओर से पहुंचे भालू ने दोनों के ऊपर हमला कर दिया। हल्ला मचा तो बचाव के लिए पहुंचे वीरपुर गांव के रहने वाले हरिकोल व छोटू मौर्य के ऊपर भी भालू ने हमला बोल दिया और उन्हें घायल कर दिया। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और लाठी डंडे से दौड़ाकर भालू को जंगल की ओर भगाया। फिलहाल आसपास के गांव में भालू के आने की सूचना से हड़कंप मच गया है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सूरज मौर्य ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन सूचना के घंटों बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी। गांव में भालू के आने के कारण फिलहाल दहशत का माहौल बना हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।